हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम रविकांत, वेलकम यू एट ज्ञान एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं पार्ट 10। पहले हम लोग पार्ट 9 तक कर चुके हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का। ये हमारा बायलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। सो आइए शुरू करते हैं द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। The first question is, market risk may takes the form of which of the following? मतलब market risk जो है किस तरह का shape ले सकता है, मतलब okay, या simple भाषा में कहें तो कि market risk कहाँ पे arise होगा। आपके सामने चार option है। तो simple बात करूं, LC में market risk नहीं arise होता generally। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में हो जाएगा, क्योंकि इट्स डिपेंड टोटली ऑन मार्केट डिमांड सप्लाई। जैसे डॉलर का रुपया, आपको सामने पता है कि इससे रुपये का भाव गिर रहा है। ओके, सो सिंपली यू गॉट द राइट आंसर। सो इट्स आंसर इज बी, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अंडर बेसल टू द सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस इज कवर्ड बाय। अगर बात करें बेसल टू की, तो सुपरवाइजरी रिव्यू किसमें किया गया है? एज यू नो की किसमें किया गया है? पिलर टू में। पिलर फर्स्ट में क्या है, पिलर थर्ड में क्या है, यू राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। द सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन आर कवर्ड अंडर डैश रिस्क इन द बेसल टू फ्रेमवर्क। अगर बात करें सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन की, जो कौन से रिस्क अंदर कवर किया जाता है इसको, तो सिंपल से पहले बता दो सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। जब हम किसी बोरोअर को लोन देते हैं एज ए बैंकर, व्हेन एवर वी प्रोवाइड लोन टू एनी बोरोअर, देन वी आस्क फॉर सिक्योरिटी एंड वी टेक द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ द लोन इन फ्यूचर व्हेन एवर इट रिक्वायर। ओके, तो उस समय के लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं। तो अगर वो सिक्योरिटी क्या होता है, अगर हमारा वो उसका वैल्यू डी वैल्यू हो जाए, ऐसा कुछ दिया हो, जमीन दी हो, ऐसा कुछ दिया हो, तो उसका अगर वैल्यू डी वैल्यू हो जाता है, मतलब पहले 10 लाख का सिक्योरिटी था, जो जमीन 10 लाख की थी, आज 5 लाख का भी नहीं है, 2 लाख का भी नहीं है, कोई बिल्डिंग था ऐसा लाइक डेट, तो वो किसमें कवर करेगा, डेट इज अ ग्रेट रिस्क। ओके, सिंपल सी भाषा में बात करें तो, जहां भी बात करें बोरोअर के लोन दिया है तो क्रेडिट रिस्क में आएगा। मार्केट क्वेश्चन कवर किए थे और ऑपरेशनल रिस्क पर भी क्वेश्चन आने वाला है। सो वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैंक हैज रिस्क वेटेड एसेट ऑफ 2000 करोड़ एंड इट हैज अनडिस्क्लोज रिजर्व ऑफ 80 करोड़, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट of such reserve that can be included in the tier 2 capital। मतलब tier 2 capital में हम कितना तक include कर सकते हैं? मैं पहले बता दूं आपको कि अगर 2000 crore अगर RWA है, तो इसका हम maximum 1.25% ही ले सकते हैं, maximum 1.25% ले सकते हैं। इसका मतलब कि 2000 का maximum जो होता है, मैक्सिमम जो 1.25% होगा 25 करोड़। और अगर 80 करोड़ बात करें, तो 80 करोड़ को हम क्या करते हैं, 55% डिस्काउंट देते हैं। इसका मतलब अगर इसे निकाल दें 45% पे, तो इसका होता है अराउंड आपका हो जाएगा, अगर मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लूँ इसको, तो 80 का 45% 36 हो जाएगा। तो हम मैक्सिमम जो है दे सकते हैं 1.25%। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, 25 करोड़। आपको इसके लिए टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हम किस में कैसे लेते हैं। यहां पर से बता दूं आपको कि वी टेक हियर रिजर्व्स एट 55% डिस्काउंट। ये जो है हम 55% डिस्काउंट लेते हैं।
अगर ये ज्यादा होता, सपोज करो यहां पे ये होता 4000 करोड़, देन आंसर 36 होता, ओके राइट आंसर इज हियर 25 करोड़। अ बैंक हैज रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ 300 करोड़, व्हाट अमाउंट कैन बी इंक्लूडेड इन द टायर टू कैपिटल। अभी इससे पहले क्वेश्चन जो किए थे, हम कितना परसेंट डिस्काउंट लेंगे, 55% डिस्काउंट लेंगे इसका, इसका मतलब कितना करेंगे इसका 45%, क्योंकि हम 100 माइनस करेंगे, अगर इसको 100 में से माइनस कर दें 55 को, 45 बचेगा, और 300 का 45% डिवाइड बाय 100 कर देंगे, एज सिंपल रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये डबल जीरो कैंसिल, प्लस कितना आगे से बोलिए 30, 135 हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब ऑर्डिनेटेड डेप्ट कैन बी इंक्लूडेड इन टायर टू कैपिटल फंड ओनली व्हेन इट इज मस्ट विथ एन ओरिजिनल मेच्योरिटी ऑफ। तो अगर यहां बात करूं कि इतना मैच्योरिटी होना चाहिए, तो मिनिमम जो है 5 इयर्स, यहां पे सिंपल है 5 इयर्स मिनिमम 5 इयर्स होना चाहिए, आप ऑप्शन काफी क्लोज है, मैक्सिमम 5 ईयर है, लेकिन क्या है मिनिमम 5 ईयर होना चाहिए, ओके सो कितना होना चाहिए ऑर्डिनेटरी मैच्योरिटी 5 इयर्स। यहां पे थोड़ा सा ये हो गया, इसलिए मैं तो दोबारा इस क्वेश्चन पढ़ाता हूं कि सब ऑर्डिनेटेड डेप्ट कैन बी इंक्लूडेड इन द टायर टू कैपिटल फंड ओनली व्हेन इट इज इट मस्ट विद एन ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ, तो मिनिमम कितना होना चाहिए 5 इयर्स, आंसर इज डी। बैंक एक्स हैज सब ऑर्डिनेट डेप्ट विद रिमेनिंग मैच्योरिटी ऑफ 17 मंथ्स, दीज आर इंक्लूडेड इन टायर टू कैपिटल फंड एट कितना परसेंट डिस्काउंट पे करेंगे, ये 1 ईयर ज्यादा है इसलिए हम कितना परसेंट लेंगे 80%, ओके कितना परसेंट डिस्काउंट होगा 80% का, तो इसका मतलब हम लेंगे कितना 20%, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वी टेक एट 80% डिस्काउंट, अरे होता है इंक्लूड कितना करेंगे तो 20% डिस्काउंट, अगर 80% दे रहे हैं तो इंक्लूड 20% करेंगे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक एक्स हैज सबऑर्डिनेट डेप्ट ऑफ ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 7 ईयर एंड रिमेनिंग मैच्योरिटी ऑफ पीरियड ऑफ 7 मंथ, इफ द वैल्यू ऑफ सच डेप्ट्स इज 2000 करोड़, व्हाट अमाउंट विल बी टेकन इन टायर टू कैपिटल फंड। तो इस केस में अगर है तो टायर टू कैपिटल में कितना फंड करेंगे, ये 1 ईयर से कम है, सिंपल ये 0 का मतलब कि नील, राइट आंसर इज डी, अगर 1 साल से कम रहे तब से जब डी लगा देना, मतलब 0 लगा देना, 0 आंसर आप देखें 0 है नील, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क अंडर बेसल 2 फ्रेमवर्क, इसमें से कौन सा जो है ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट नहीं है, एज यू नो वेरी वेल की ऑपरेशन का क्या होता है, जहां पे स्टाफ गलती हो, सिस्टम फेल कर जाए, या फिर किस तरह डिस्टर्बेंस हो, ठीक है हमारे मतलब अपने स्टाफ के मैनेजमेंट में, सो ये आपका ऑपरेशन का पार्ट है, ये भी इसका ऑपरेशन पार्ट है, ये भी पार्ट है, इंटरेस्ट रेट का इसका कोई लेना देना नहीं है, तब सब पूछ रहा था नॉट, आपका ये ट्रैप है, जहां मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि नॉट दिखा दे और दिखा दे आइदर दिखा दे नाइदर दिखा दे, ये सारे वर्ड्स जो है क्वेश्चन जो फ्रेमर होते हैं जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स फॉर ट्रैप द स्टूडेंट्स, कि आप इससे रॉन्ग आंसर मार्क कर दो और आपका आंसर गलत हो जाए, तो वो सही आंसर क्या हो जाए यहां पे इन इंटरेस्ट रेट, क्योंकि नॉट पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक एक्स एंड बाई हैव बीन कंबाइंड इनटू अ सिंगल बैंक वेयर बैंक एक्स सर्वाइव्ड एंड बैंक बाई लॉस्ट इट्स कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे, मतलब बाई जो है जो बैंक बाई है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, उसका नाम नोशन खत्म हो गया, उसको बोलते हैं मर्जर,
और आपको पता ही है कि बैंक में बैंकिंग सिस्टम में मर्जर का बहुत तेज चल रहा है। एलियांस बोलते हैं जब दो बैंक साथ में काम करती है, एक क्वेश्चन जब कोई बड़े बैंक छोटे बैंक को एक अपने अंदर मिला लेती है, एक कर लेती है कंसोलिडेशन, जहां पे जो है दो बैंक कंसोलिडेट होकर नया बैंक फॉर्म होता है। ओके, आई होप कि समझ में आ गया आपको। इफ यू एनी कंफ्यूजन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।